बड़ी खबर ब्यास से सामने आ रही है। यहाँ पर दूसरी कक्षा में पढ़ती 8 साल की लड़की के साथ 10वीं कक्षा में पढ़ते विद्यार्थी द्वारा बलात्कार किया गया। यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जिसके बाद लोगों में बेहद रोष पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि स्कूल की मान्यता रद्द कर स्कूल को बंद किया जाए। इस मौके गुस्साए लोगों का और क्या कुछ कहना है, आइए आप भी सुनिए। इस तो जड़ी बच्ची नाल रेप होया, इस तो माड़ी घटना हो नहीं सकती, ना सोची जा सकती। वो भी साडे इलाके च हुई आ, असी तो समझते कि साडे घर च ही हुई, क्योंकि अहीं इत्थों लोकल हाँ, सानू आप शर्म आउण डई आ। पर इस स्कूल की मैनेजमेंट नूं मैनूं तो लगता कोई शर्म ही नहीं हैगी। सैक्रड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ब्यास, मैं तो ये मंग करदा कि जिन्हें की उत्ते तो कार्रवाई होनी चाहिए आ। इस स्कूल पर भी, स्कूल की मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए आ, क्योंकि फादर से भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन्ना जिन्ना कसूर वह उन्ना ही कसूर इस मैनेजमेंट का है। असी अपना बच्चा घरों पढ़ने लिए भेज दें, वो जोड़े 6 घंटे आडा नहीं, इन्हों का बच्चा आ 6 घंटे, क्योंकि साढ़े को फीसा लेंदे आ, प्रोपर फीसा लेंदे आ। एक वेखो हर साल बिल्डिंग फंड लेंदे आ, बिल्डिंग अपने लिए खड़े कर स्टूडेंट अगो का पैसे लेंदे आ। 4-5 दिन पहल की गल आ, मेरे बेटे को धक्का मारता किसी ने, इतने वो सट लगी, अज भी वो स्टिच लगे उदा ही घर आओ। इन्होंने कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की, सिर्फ उदन फोन कर दिता जी ताडे बेटे दे सट लग गई तो उन्होंने डेरे लै गया। जो इन्नी गल सुनी थी अपना दिल बाहर नूं आउंदा, रौला रप्पा पै गया, भज के उत्थे गए, इन्ना कोई नहीं वेख्या की बच्चा है की वो। डॉक्टर कहिंदा कि थोड़ा जिहा उपर जाता तो वो अख निकल जानी है, इन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इन्हां ने बाद च पुछया भी नहीं कि दसो जी कोई गल होई है नहीं, बच्चा ठीक है ज नहीं ठीक। ये स्कूल नहीं, ये होटल आ, इन्हां दे एक पैसे कमाउण दा साधन बना लिया वा। 38 मिनट का पीरियड आते 40-45 क्लास के बच्चे आ, एक मैडम 45 बच्चों 38 मिनट के हाजिरी भी नहीं मेरे ख्याल ला सकती, अटेंडेंस भी नहीं लग सकती। तो ये कह दिया कि असी स्कूल बड़ा वधिया चलाउण दे, मैनूं तो किसी गल की समझ नहीं आती। ये तो आडे प्रेस वाले वीरां दा धन्नवाद आ सारिआं दा, तुसीं उदम कीता ते इत्थों तक चुक्या, हो सकदा ही ये गल नूं नप दिंदे। मैं तो तुहानूं कहण दिआ कि सानूं आप शर्म आउण डई आ कि साडे इलाके च ये घटना होई है, साडे इलाके की पुलिस प्रशासन नूं भी शर्म आउणी चाहीदी है, ते सब तों वड्डी शर्म आउणी चाहीदी है स्कूल की मैनेजमेंट नूं, फादर नूं, कि इन्हां दे स्कूल इन्हां दे घर दे विच ये घटना होई है। ते ये हौली जी जवाब दे रहा कि DVR बंद हो गया, DVR बंद, दसो किन्ना किन्ना ईजी आ, है ना, हौली जी कह देना कि DVR बंद हो गया। जिन्हां नाल होई उन्हां नूं पुछो उन्हां दे दिल ते की बीतण डई है। कोई ऐसे छेड़छूड़ का कोई मसला आया हुआ है कि असी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कर रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया, तो मुंडे नूं उसी वक्त अरेस्ट करके लेके गए कि यह सच में जो हल गल सुन रहा है कि वो सच है कि नहीं, वो देख रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आप सहमत नहीं है? मैं पुलिस के नाल है, पुलिस का पूरा कार्रवाई दे नाल मैं सहमत है। क्या कारण, क्या आपके स्कूल का नाम क्यों ऐसे उछल रहा है, पहले भी उछला अब भी उछल रहा है, क्या कारण, क्या क्या समझते आप, मैनेजमेंट की कमी है कि क्या है? मैं ऐसे नहीं समझता, दिस इज ऐसे अनलकी इंसिडेंट्स दैट हैपन। तो ये मामला कब का? ये तो कल का मामला है। तो फिर वो कहते लड़का पहले आ गया था।